अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप किसी भी YouTube वीडियो को अपने मोबाइल फ़ोन, चाहे वो एंड्रॉयड फ़ोन हो या आपके पास आईफोन हो, उसमें आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने मोबाइल एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। उसके बाद आप इसकी प्री सेटिंग कर सकते हैं डाउनलोड के लिए। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपने प्रोफाइल पिक पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने ये सेटिंग्स पे आना है। तो इसमें आपने डाउनलोड्स पे आ जाना है। इसमें देखिए, हमारे पास ये डाउनलोड करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस आ रही हैं। सबसे पहला हमारे पास आ रहा है डाउनलोड क्वालिटी। अच्छा, इसमें सेटिंग आप पहले भी कर सकते हैं कि आप इसको 720 में डाउनलोड करना चाहते हैं, 360 में या 144 में। तो ये हमारे पास डिफरेंट क्वालिटीज़ है। उसके बाद हमारे पास अगर आप चाहते हैं कि जब भी आप वीडियो डाउनलोड करें तो आपसे हर दफ़ा पूछा जाए तो आपने आस किस टाइम रहने देना है। उसके बाद हमारे पास दूसरी ऑप्शन आ रही है डाउनलोड ओवर वाईफाई, यानी अगर आप इसको ऑन करेंगे तो फिर सिर्फ और सिर्फ आपकी वीडियोस डाउनलोड होंगी जब वाईफाई कनेक्शन होगा, अदरवाइज सेलुलर नेटवर्क पे नहीं होंगी। और अगर आप चाहते हैं सेलुलर नेटवर्क पे भी आपकी वीडियोस डाउनलोड हो तो आपने इसको ऑफ कर देना है। उसके बाद आ रहा है रिकमेंड डाउनलोड, इसको भी आप ऑन कर सकते हैं। और उसके बाद आ रहा है यूज़ SD कार्ड का, डायरेक्ट आप जो भी वीडियो डाउनलोड करें वो SD कार्ड में जाए। आप इन ऑप्शन को चाहें तो आप इनको ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी। उसके बाद हमारे पास लास्ट पे ऑप्शन आ रही हैं, आपके पास अवेलेबल स्पेस कितनी है, इंटरनल मेमोरी में कितनी है और SD कार्ड में कितनी है। तो ये आप यहाँ से भी इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने क्या करना है, आपने मेन आना है एप्लीकेशन पे और यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने कोई भी वीडियो सर्च करनी है जिसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट वीडियोस आ रही हैं। ठीक है, इसमें से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सपोज मैंने ये वीडियो डाउनलोड करनी है, इसको मैंने ओपन किया और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि ये हमारे पास ऑप्शन आ रही है लाइक की, डिसलाइक की, शेयर की और डाउनलोड की। तो डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपसे क्वालिटी पूछी जा रही है, आपने क्वालिटी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। तो ये वीडियो जो है ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है और ये विद इन सेकेंड्स डाउनलोड हो जाएगी। अगर वीडियो की लेंथ ज़्यादा होती है तो इसका मतलब है कि वीडियो जो है उसकी वो मेमोरी भी ज़्यादा कैरी करेगी, तो वो थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लेगी डाउनलोड होने में। तो ये तो वीडियो हमारे पास जो है वो चंद सेकेंड्स में डाउनलोड हो चुकी है। इसके बाद हम यहाँ से इंटरनेट ऑफ कर देते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि ये आप इसको कैसे चला सकते हैं इस वीडियो को। तो ये देखें कि ये वीडियो आपके पास आपकी एप्लीकेशन में, ये लाइब्रेरी में आप जाते हैं तो लाइब्रेरी में हमारे पास जो है ऑप्शन आ रही होती है डाउनलोड की, तो आपने डाउनलोड पे क्लिक कर देना। तो ये देखें, ये वीडियो जो हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है, आप इसको ओपन करके चला के देख सकते हैं जी। तो ये बिल्कुल एक छोटी सी ट्रिक थी जिसके ज़रिए आप जितनी मर्ज़ी चाहें अपने मोबाइल की स्पेस के हिसाब से, मोबाइल की स्टोरेज के हिसाब से आप वीडियोज़ डाउनलोड कर सकते हैं।